गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू वेलकम टू अवर ऑडिट डिस्कशन सो स्टूडेंट्स हम लोग दिसंबर 2020 के पेपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे नाउ दिस इज द थर्ड क्वेश्चन और इससे पहले के दो वीडियोस में हम लोगों ने दो क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिए थे तो ये तीसरा और आखिरी क्वेश्चन है सो लेट स्टडी द केस स्टडी दिस सिनियो रिलेट्स टू फोर क्वेश्चन इसमें चार क्वेश्चन है एंड आई थिंक ये आपके ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन है ये सिक्स प्लस फोर्टीन So, 6 plus 14, ये 20 marks का टोटल क्वेश्चन है okay, let's see, क्या है case study? So, एक तो students, ये तो question जो जो आपसे पूछा गया है इसमें मैं आपको बता दूं ये कौन से चैप्टर का है इसमें ये ये है आपके इंटरनल कंट्रोल्स का चैप्टर है है ना इंटरनल कंट्रोल्स में क्या आपके की कंट्रोल्स होते हैं कैसे उनको टेस्ट किया जाता है वो सारी चीजें इस क्वेश्चन में पूछी गई है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं इट इज फर्स्ट जुलाई 2015 स्विफ्ट कंपनी प्रिंट्स बुक्स इट सेल्स ऑनलाइन एंड सप्लाइज टू रिटेलर्स अक्रॉस द कंट्री। तो फर्स्ट जुलाई आज की तारीख हो गई और ये ये लोग बेसिकली करते क्या है बुक्स प्रिंट करते हैं ठीक है ना और ऑनलाइन भी बेचते हैं एंड सप्लायर्स सप्लाईज टू रिटेलर्स अक्रॉस द कंट्री द कंपनी इज ईयर एंड इज थर्टीएथ सेप्टेंबर टू थाउजेंड फिफ्टीन साल कब खत्म होगा कंपनी का थर्टीएथ सेप्टेंबर को यू आर एन ऑडिट सुपरवाइजर विद टॉकन एंड कंपनी सो ऑडिट फर्म का नाम क्या है हमारे टॉकन कंपनी दिस इज अवर ऑडिट फर्म

रिव्यू करना है रिव्यूइंग द इंटरनल कंट्रोल्स डॉक्यूमेंटेशन इन प्रिपरेशन ऑफ एन ऑडिट। सो ऑडिट करते वक्त इंटरम ऑडिट के दौरान आपको जो है इंटरनल कंट्रोल्स को रिव्यू करना है तो फ्रेंड्स अब यहां पे कुछ केसेस है वन बाई वन इनको हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं पेरोल की स्विफ्ट कंपनी एम्प्लॉय फैक्ट्री स्टाफ हु आर रिक्वायर्ड टू वर्क स्टैंडर्ड शिफ्ट ऑफ एट आवर्स पर डे तो इन्होंने जो है बेसिकली स्विफ्ट कंपनी जो है ये फैक्ट्री स्टाफ को अपॉइंट कर रही है एक स्टैंडर्ड शिफ्ट के लिए और हर एक एम्प्लॉय कितने घंटे काम करेगा एट आवर्स पर डे नो स्टाफ मेंबर्स आर रिक्वायर्ड टू वर्क ओवर टाइम किसी भी स्टाफ मेंबर्स को ओवर टाइम नहीं कराया जाएगा ऑल स्टाफ मेंंथली बाई बैंक ट्रांसफर से इनकी पेमेंट होगी द कंपनी हैज अस दैट इज एच आर डिपार्टमेंट हुई रेस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑल न्यू ज्वाइनर एंड पेरोल डिपार्टमेंट विच प्रोसेस वेजेस एंड सैलरीज सो एच आर डिपार्टमेंट जो है वो रिस्पॉन्सिबल है सभी न्यू ज्वाइनर्स को ज्वाइन करने के लिए एंड पेरोल डिपार्टमेंट जो है उनके वेजेस एंड सैलरीज को देखेगा when a new employee joins the company hr completes a joiners form which includes a unique employee number for each new employee जब भी एक नया एम्प्लॉय ज्वाइन होता है तो एचआर क्या करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर क्या करेगा कंप्लीट अ ज्वाइनर्स फॉर्म तो ये एक ज्वाइनर्स फॉर्म को कंप्लीट करेगा जिसमें एक हर एक एम्प्लॉय का एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर जो है उसमें मेंशन रहेगा द ज्वाइनर्स फॉर्म इज देन सेंट टू पेरोल डिपार्टमेंट तो वो जो ज्वाइनर फॉर्म है वो पेरोल डिपार्टमेंट को भेजा जाएगा सो दैट द न्यू एम्प्लॉय कैन बी सेट अप फॉर पेमेंट ताकि नए एम्प्लॉय को पेमेंट के लिए भी सेटअप किया जाए द यूनिक एम्प्लॉय नंबर मस्ट बी एंटर्ड इन टू द पेरोल सिस्टम बिफोर द एम्प्लॉय कैन बी एडेड टू पेरोल एम्प्लॉय को पेरोल में ऐड करने से पहले वो जो न्यू यूनिक नंबर है यूनिक नंबर उसको एंटर करना जरूरी है वन अ मंथली बेसिस सॉरी ऑन अ मंथली बेसिस एन एक्सेप्शन रिपोर्ट रिलेटिंग टू चेंजेस टू द पेरोल स्टैंडिंग डेटा इज प्रोड्यूस्ड एंड रिव्यूड बाय द पेरोल मैनेजर एविडेंसेस दिस रिपोर्ट यानी कि हर महीने हर महीने जो है एक पेरोल की एक रिपोर्ट इश्यू करी जाती है और उस रिपोर्ट को जो है पेरोल मैनेजर जो है उसको रिव्यू करता है ना आगे बताया गया है एंप्लॉय आर्स वर्कड

पेरोल सुपरवाइजर सेलेक्ट अफ पे स्लिप्स रीपरफॉर्म द ग्रॉस टू नेट पे कैल्कुलशन एंड इनवेस्टिगेट एनी डिस्क्रिपेंसीपरवाइजर क्या करेगा पे स्लिप्स को ले लेगा दोबारा रिकल्कुलेट करेगा ग्रॉस पे से नेट पे तक पूरा कैलकुलेशन करेगा अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आती है कुछ गड़बड़ी आती है कैलकुलेशन में तो फिर उसको वो इन्वेस्टिगेट भी करेगा द सैंपल्ड पे स्लिप्स आर देन साइंड एज एविडेंस ऑफ दिस रिव्यू सैंपल्ड पे स्लिप्स जो भी पेज स्लिप्स है उनको साइन किया जाएगा एज एन एविडेंस सभी को तो नहीं सैंपल्ड जो भी थोड़ा बहुत जो सैंपल वो लेगा सैंपल्ड पे स्लिप्स एज एविडेंस ऑफ दिस रिव्यू तो ये स्टूडेंट हमने बात कर ली पूरे पेरोल में इस तरीके से जो है काम होता है अब हम बात करते हैं परचेजेस की द कंपनी हैज अर्चेजिंग डिपार्टमेंट बेस्ड एट इट्स हेड ऑफिस कंपनी का परचेजिंग डिपार्टमेंट है जो कि हेड ऑफिस में है वेन रॉ materials आर रिक्वायर्ड द प्रोडक्शन सुपरवाइजर सबमिट अ requisition फॉर्म टू द परचेजिंग डिपार्टमेंट जब रॉ मटेरियल खत्म हो जाता है रॉ मटेरियल की जरूरत है जो प्रोडक्शन सुपरवाइजर है वो एक रिक्विजिशन सबमिट करते हैं परचेजिंग डिपार्टमेंट को अ मल्टी पार्ट परचेज ऑर्डर इज जनरेटेड मल्टी पार्ट एक परचेज ऑर्डर उसमें कई सारे स्लिप्स होंगे परचेज ऑर्डर जनरेट किया जाएगा एंड द परचेजिंग मैनेजर ऑथोराइजेस ऑल ऑर्डर अप टू फाइव थाउजेंड डॉलर सो पांच हजार डॉलर तक के सारे परचेजेस जो है परचेजिंग परचेजिंग मैनेजर ऑथोराइज कर सकता है ऑर्डर अबव फाइव थाउजेंड डॉलर आर ऑथोराइज बाय द परचेजिंग डायरेक्टर सो पांच हजार से ज्यादा के जो परचेज परचेजेस हैं ऑर्डर्स हैं उन्हें परचेजिंग डायरेक्टर जो है ऑथोराइज करते हैं द वेर हाउस टीम प्रोसेस गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर्स वेयरहाउस टीम क्या करेगा जो भी गुड्स रिसीव किया है सप्लायर से उसको वो प्रोसेस करेगा

तब फिर वो क्या जनरेट करेंगे क्या प्रोड्यूस करेंगे गुड्स रिसीव्ड नोट जी आर एन वन कॉपी ऑफ द जी आर एन इज फाइल्ड इन दाउस एक कॉपी जो है उसको साइन किया जाएगा और उसे वेयर हाउस में ही रखा जाएगा अनदर कॉपी ऑफ जी आर एन इज सू द फाइनेंस डिपार्टमेंट एक कॉपी तो गुड्स रिसीव नोट की हम वेयर हाउस में रखेंगे और एक कॉपी जो है हम फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजेंगे

बैच कंट्रोल शीट इज कंप्लीटेड फॉर इच ट्वेंटी बैच कंट्रोल शीट बनाई जाती है हर एक ट्वेंटी इनवाइज के लिए और फिर उसको जो है क्लर्क साइन करता है इस बात को मेक श्योर sure करने एज अ एविडेंस की यस उसने चेक uh, किया है सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन आर परफॉर्म्ड ऑन मंथली बेसिस सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन यानी कि हम सप्लायर को रिकंसिलेशन स्टेटमेंट लिख करके भेजते हैं कि भाई आ, हमारे किताबों में हमारे बुक्स में आपका इतना बैलेंस श्योर है सही है गलत है बताइए ऑल डिफरेंस आर फुल्ली इन्वेस्टिगेटेड जो जो भी फर्क आएगा डिफरेंस आएगा उनको फुल्ली इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एंड द फाइनेंशियल कंट्रोलर रिव्यूज सेलेशन और जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो इन सभी रिकंसिलेशन को रिव्यू करेगा इनवाइजेस आर पेड इन अकॉर्डेंस विद द सप्लायर्स क्रेडिट टर्म्स जो हैं वो पे किए जाएंगे किस बेसिस पर इन अकॉर्डेंस टर्म्स सप्लायर जो सप्लायर ने हमें जो भी क्रेडिट टर्म्स दिए हैं दस दिन का बीस दिन का तीस दिन का वॉट का सो so, इनवाइज उसके हिसाब से जो है पे किए जाएंगे द फाइनेंस डायरेक्टर ऑथोराइजेज द बैंक ट्रांसफर पेमेंट लिस्ट फॉर सप्लायर्स हैविंग फर्स्ट अग्रीड द अमाउंट टू बी पेड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड हैविंग रिव्यूड द लिस्ट ऑफ डुप्लीकेट पेमेंट्स तो स्टूडेंट यहां पर फाइनेंस डायरेक्टर जो है इसने ऑथोराइज किया है कि भाई हम जो भी पेमेंट करेंगे सप्लायर्स को वो बैंक ट्रांसफर के द्वारा जो है वो पेमेंट हम लोग करेंगे नाउ आगे बताया गया स्टूडेंट्स ऑडिटर्स आर रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट company's अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स एज पार्ट ऑफ देर ऑडिट प्रोसेस एज अ ऑडिट प्रोसेस ऑडिटर्स को क्या करना है कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम और इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इसको पूरे को जो है डॉक्यूमेंट करके रखना है थ्री मेथड अवेलेबल फॉर डॉक्यूमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को डॉक्यूमेंट करने के लिए देर आर थ्री मैथड्स सो एज नरेटिव नोट फ्लो चार्ट एंड क्वेश्चन एयरस तो तीन मेथड इन्होंने डिसाइड किए हैं इन तीन मेथड्स के द्वारा ये इंटरनल कंट्रोल्स को जो है वो डॉक्यूमेंट करके रखेंगे सो स्टूडेंट्स अब यहां पर क्वेश्चन है फॉर ईच ऑफ द थ्री मेथड्स आइडेंटिफाई इन द टेबल डिस्क्राइब द मेथड फॉर डॉक्यूमेंटिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम सेकेंड है एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस मेथड बेसिकली इन तीन मेथड्स के आपको बताने हैं कि किस तरीके से हम इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को हम डॉक्यूमेंट कर सकते हैं इन तीनों मेथड्स के द्वारा और इनके एडवांटेजेस क्या है हर एक मेथड का अपना एक एडवांटेज है तो किन किन के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये आपको बताना है दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फिर उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ऑफ स्विफ्ट कंपनी आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन सेवन की कंट्रोल विच द ऑडिटर में सीक टू प्लेस रिलायंस ऑन तो कौन कौन से वो सेवन की कंट्रोल हैं जिनके ऊपर ऑडिटर भरोसा कर सकता है आपको ये आइडेंटिफाई करना है दूसरा है डिस्क्राइब अ टेस्ट ऑफ कंट्रोल द ऑडिटर शुड परफॉर्म टू एसेस इफ ईच ऑफ दीज की कंट्रोल इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली एक तो सेवन की कंट्रोल्स आप आइडेंटिफाई करिए और वो की कंट्रोल्स कितना इफेक्टिवली काम कर रहे हैं उसको टेस्ट कैसे करेंगे ये भी आपको बताना है तो स्टूडेंट्स तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि वो तीन मेथड्स क्या हैं जिसके द्वारा हम लोग इंटरनल कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट करके रखते हैं सो डॉक्यूमेंटिंग सिस्टम सबसे पहले हम बात करते हैं नरेटिव नोट्स का सो नरेटिव नोट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स ये पूरा का पूरा एक रिटर्न डिस्क्रिप्शन होता है ऑफ द सिस्टम यानी कि जितने भी इंटरनल कंट्रोल्स है ना हम पूरा लिख लेते हैं पूरा एक डिस्क्रिप्टिव पूरा एक पैराग्राफ में जो है उसको हम लोग लिख करके रख लेते हैं नरेटिव नोट कंसिस्ट ऑफ रिटर्न डिस्क्रिप्शन ऑफ द सिस्टम दे डिटेल वॉट अकर्स इन सिस्टम एट ईच स्टेज एंड इंक्लूड डिटेल्स ऑफ एनी कंट्रोल्स विच ऑपरेट एट ईच स्टेज हर स्टेज पर क्या क्या इंटरनल कंट्रोल्स हैं, हर स्टेज पर इंटरनल कंट्रोल किस तरीके से काम करता है ये सारी की सारी पूरे पैराग्राफ में लिखा हुआ होता है एक रिटर्न uh, डिस्क्रिप्शन होता है इसके एडवांटेज क्या है स्टूडेंट्स दे आर सिंपल टू रिकॉर्ड सबसे पहला एडवांटेज तो यही है कि उनको रिकॉर्ड करना बहुत आसान है दे आर सिंपल टू रिकॉर्ड आफ्टर डिस्कशन विद स्टाफ मेंबर्स दीज डिस्कशंस आर ईजीली रिटर्न अप एज नोट्स एक बार आप स्टाफ मेंबर से डिस्कस करिए डिस्कस करने के बाद बड़े आराम से जो है आप auditor, आप एज एन ऑडिटर उनको बड़े आराम से जो है लिख करके एक नोट्स की तरह आप उसको मेंटेन कर सकते हैं दे कैन फैसिलिटेट अंडरस्टैंडिंग बाय ऑल मेंबर्स ऑफ द ऑडिट टीम स्पेशली मोर जूनियर मेंबर्स हु माइट फाइंड ऑल्टरनेटिव मेथड्स टू टू कॉम्प्लेक्स और ये नरेटिव नोट इतने सिंपल होते हैं कि इन्हें कोई जूनियर जो मेंबर होता है वो भी बड़े आराम से इनको पढ़ करके समझ सकता है क्योंकि इसमें बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग हम लोग इसमें दे देते हैं और बाकी मेथड में समझना थोड़ा जो है जूनियर मेंबर के लिए दिक्कत का काम हो सकता है तो तो ये तो हमने पढ़ लिया नरेटिव नोट्स दूसरा मेथड है जिसके द्वारा हम इंटरनल कंट्रोल्स को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं वो है फ्लो चार्ट सो फ्लो चार्ट बेसिकली क्या होता है ये एक डायग्रामेटिक डायग्रामेटिकेशन होता है फ्लो चार्ट आर अ डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फ्लो चार्ट जो है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का एक डायग्रामेटिक इलिस्ट्रेशन है लाइन्स यूजली डिमॉन्स्ट्रेट द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड स्टैंड सिंबल्स आर यूज टू सिग्निफाई कंट्रोल्स और डॉक्यूमेंट्स जो लाइन्स ड्रॉ करी जाती हैं फ्लो चार्ट में वो बताती हैं कि सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स कैसे 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 स्टेप बाई स्टेप हमारे इंटरनल कंट्रोल्स काम करते हैं एंड स्टैंडर्ड सिम्बल्स और कई सारे सिम्बल्स का भी इस्तेमाल करते हैं और ये सिम्बल्स आपको बताते हैं सिम्बल्स आर यूज टू सिग्निफाई कंट्रोल्स और डॉक्यूमेंट्स तो स्ट्रेंड्स ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट तो इसके बेनिफिट्स क्या है विद फ्लो चार्ट इट इज इजी टू व्यू द सिस्टम इन इट्स एंटायरिटी एज इट इज ऑल प्रेजेंटेड टूगेदर इन वन डायग्राम स्टूडेंट देखिए जब हम नेगेटिव रिकॉर्ड लिखते हैं ना तो पहले पेज पे एक लिखा फिर अगले पेज पे लिखा बट जब मैं फ्लो चार्ट की बात करता हूं पूरे पेज पर एक डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन आ जाता है और एक ही नजर में वो आपके पूरे सामने रहता है और आप उसको बड़े आराम से जो है उसको देख सकते हैं ड्यू टू द यूज ऑफ स्टैंडर्ड सिंबल्स फॉर कंट्रोल्स इट कैन बी इफेक्टिव इन आइडेंटिफाइंग मिसिंग कंट्रोल्स क्योंकि हम हर एक इंटरनल कंट्रोल के लिए कुछ स्टैंडर्ड सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो जहां पर जो सिंबल मिसिंग है इसका मतलब वो इंटरनल कंट्रोल भी वहां पर मिसिंग है और बड़े आराम से यहां पर हम लोग जो है मिसिंग कंट्रोल्स को जो है हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं और जो तीसरा मेथड है स्टूडेंट्स वो है क्वेश्चन क्वेश्चन में बेसिकली हम लोग क्वेश्चन लिख करके भेजते हैं इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन कंटेन ऑफ़ क्वेश्चन इन दोनों में चाहे आईसी क्यू क्यों ना हो या फिर आईसी क्यू क्यों ना हो इन दोनों में क्वेश्चन होते हैं कंटेन ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच मेजर ट्रांजेक्शन साइकिल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन आर यूज टू एस एस वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट वेयर एज आई सी क्यूज एस एस द इफेक्टिवनेस ऑफ द कंट्रोल इन प्लेस तो बेसिकली अगर हम बात करें एक तो पहली बात तो है कि इन दोनों में क्वेश्चन होते हैं कंटेन अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चन फॉर ईच मेजर ट्रांजेक्शन साइकिल इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चन एयर आर यूज टू एस एस वेदर कंट्रोल एग्जिस्ट इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चंस में हम लोग पूछेंगे क्लाइंट uh, को लिख करके क्या आपके एंटिटी में ये वाला इंटरनल कंट्रोल है यू विल आस्क द क्वेश्चंस और बेसिकली यहां पर इंटरनल कंट्रोल इवेलुएशन क्वेश्चन में हम क्या पूछेंगे एस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स इन प्लेस यानी कि आपके एंटिटी में जो कंट्रोल्स हैं वो कितने इफेक्टिव हैं हम ये पूछते हैं तो दोनों प्रकार से ये क्वेश्चन हो सकते हैं सो बेनिफिट्स क्या है स्टूडेंट्स आर क्विक टू प्रिपेयर, प्रिपेयर बहुत जल्दी आप इसको कर सकते हैं दे आर अ टाइमली टाइमली मेथड फॉर रिकॉर्डिंग द सिस्टम, पर इफ ड्राफ्ट थोरोली एंश्योर दैट ऑल कंट्रोल प्रेजेंट विद इन सिस्टम आर कंसिडर्ड एंड रिकॉर्डेड हैंड द ऑडिट टीम तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या होता है कि आप जितने भी आपके दिमाग में आते हैं क्वेश्चन जितने भी आपके दिमाग में इंटरनल कंट्रोल्स आते हैं, उन सभी को लिख करके एज अ क्वेश्चन में कौन सा इंटरनल कंट्रोल है जो मिसिंग है तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारा जो पहला जो क्वेश्चन है वो हम लोगों ने कर लिया तीन मैथड बता दिए और उनके हर एक मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस हैं ये हमने पहला पार्ट कर लिया स्टूडेंट्स अब दूसरा जो पार्ट है हमारा हमें यहां पर सेवन इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स को आइडेंटिफाई करना है उनको एक्सप्लेन करना है और दूसरा पार्ट में यह बताना है कि एज एन ऑडिटर आप उन इंटरनल कंट्रोल्स को किस तरीके से टेस्ट करेंगे क्या वो इंटरनल कंट्रोल्स प्रॉपरली हैं कि भी नहीं तो स्टूडेंट्स अब ये वाला पार्ट आपका थोड़ा सा लेंदी होने वाला है सो एक एक करके हम सभी इंटरनल कंट्रोल्स को यहां पर जो है देख लेते हैं सबसे पहला इंटरनल कंट्रोल यहां पे गिवन है वो है स्विफ्ट कंपनी हैज अ सेपरेट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट इनका एक अलग से ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिंग अप ऑल न्यू एम्प्लॉयज जो कि सारे नए एम्प्लॉयज को ये लोग रिक्रूट करते हैं सेट करते हैं हैविंग अ सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स बिटवीन एच आर एंड पेरोल डिपार्टमेंट्स रिड्यूज द रिस्क ऑफ फिकटिशियस एम्प्लॉयज बींग सेटअप एंड ऑल्सो बींग पेड क्योंकि एच आर डिपार्टमेंट इनका अलग है पेरोल डिपार्टमेंट अलग है तो फिर यहां पर एक रिस्क यह कम हो जाता है कि कहीं कोई फिकटिशियस एम्प्लॉयज कई डमी एम्प्लॉयज को इंट्रोड्यूस ना कर दे और पेमेंट बढ़ा करके दिखा दे तो ये चीज यहां पर रोकी जा सकती है तो ये इंटरनल कंट्रोल एक्चुअल में काम कर रहा है नहीं कर रहा है यह आप कैसे चेक करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरोल एंड एच आर टू कंफर्म द स्प्लिट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिगार्ड टू सेटिंग अप न्यू ज्वाइनर रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन जॉब डिस्क्रिप्शन यानी कि पेरोल डिपार्टमेंट ने क्या काम किया एचआर डिपार्टमेंट ने क्या काम किया वो जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं उनको आप जिस तरीके से एचआर डिपार्टमेंट जो है एक ज्वाइनिंग फॉर्म वो फिल करवाता है फिर ज्वाइनिंग फॉर्म में एम्प्लॉय कोड होता है एम्प्लॉय का यूनिक नंबर होता है फिर वो यूनिक नंबर जो है ये पेरोल डिपार्टमेंट को भेजा जाता है तो ये दोनों के द्वारा जो दो अलग अलग काम किए जा रहे हैं उसको आप थॉरली रीड करेंगे रिव्यू करेंगे रिव्यू द जॉब डिस्क्रिप्शन ऑफ पेरोल एंड एच आर टू कंफर्म द स्प्लिट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ एच आर का क्या क्या काम है पेरोल का क्या क्या काम है इसको आप पढ़िए सबसे पहले डिस्कस विद मेंबर्स ऑफ़ में पेरोल डिपार्टमेंट द प्रोसेस फॉर सेटिंग अप न्यू ज्वाइनर्स एंड अग्री न्यू ज्वाइनर्स टू डॉक्यूमेंटेशन इनिशिएटेड बाई एच आर तो एक तो पेरोल डिपार्टमेंट्स के मेंबर्स से जो है आप जाकर के डिस्कशन करिए कि किस बेसिस पर आपने न्यू ज्वाइनर्स लिए हैं और उसी चीज को जाकर के एच आर डिपार्टमेंट का जो डॉक्यूमेंटेशन है उससे जाकर के उसको रिव्यू करिए अगला है स्टूडेंट्स ऑल न्यू एम्प्लॉयज आर असाइंड अ यूनिक एम्प्लॉय नंबर by HR. सभी नए एम्प्लॉयज को एचआर डिपार्टमेंट के द्वारा एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर दिया गया है द पेरोल सिस्टम इज अनेबल टू प्रोसेस न्यू ज्वाइनर्स विदाउट द इंक्लूजन ऑफ द यूनिक एम्प्लॉय नंबर पेरोल सिस्टम तब तक काम नहीं कर सकता जब तक वो यूनिक एम्प्लॉय उसमें इंक्लूड ना कर दे तो इस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि ये जो एम्प्लॉय कोड नंबर है ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल है एज पेरोल स्टाफ आर अनेबल टू सेटअप न्यू ज्वाइनर्स विदाउट द एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम द ज्वाइनर फॉर्म इट रिड्यूस द रिस्क ऑफ फिकस एम्प्लॉज बींग सेटअप बाय द पेरोल कहने का मतलब स्टूडेंट्स यहां पे क्या है क्योंकि यहां पर जब तक आप एक यूनिक एम्प्लॉय नंबर आप प्रिस्क्राइब नहीं करेंगे यूनिक एम्प्लॉय नंबर जब तक आप एंटर नहीं करेंगे, तब तक जो है पेरोल सिस्टम काम नहीं करेगा और जब पेरोल सिस्टम काम नहीं करेगा तो हम लोग यहां पे फिक्टिशियस एम्प्लॉय को एंटर करवाना बहुत मुश्किल है इसको कैसे आप चेक करेंगे अटेम्प्ट टू एड अ टू देरोल सिस्टम विदाउट अ यूनिक एम्प्लॉय नंबर द सिस्टम शुड रिजेक्ट दिस एडिशन अगर यूनिक एम्प्लॉय नंबर नहीं रहेगा तो सिस्टम जो है इसको रिजेक्ट कर देगा तो इस तरीके से आप जो है इसको चेक कर सकते हैं नाउ अगला कंट्रोल है स्टूडेंट्स ऑन अ मंथली बेसिस एंड एक्सेप्शन रिपोर्ट ऑफ चेंजेस टू पेरोल स्टैंडिंग डेटा इज प्रोड्यूस्ड and reviewed by the payroll manager. मंथली बेसिस पर जो है पेरोल स्टैंडिंग डेटा का मतलब क्या होता है कि कितने नए एंप्लॉय आए कितने नए कितने पुराने एम्प्लॉय ने रिजाइन कर दिया ये सारी चीजें हम लोग यहां पर एग्जामिन करते हैं दिस एंश्योर्स दैट एनी अनऑथोराइज अमेंडमेंट टू स्टैंडिंग डेटा आर आइडेंटिफाइड और स्टूडेंट्स इसको चेक भी किया जाता है रिव्यूड बाई द पेरोल मैनेजर तो जो भी पेरोल स्टैंडिंग डेटा है अगर पेरोल स्टैंडिंग डेटा को पेरोल मैनेजर के द्वारा प्रॉपरली रिव्यू किया जाता है तो उससे क्या होगा नी अनऑथोराइजमेंट टू स्टैंडिंग डेटा आर आइडेंटिफाइड एंड इनवेगेटेड सो दट दूस दन इज वैलिड एंड एकट तो इस तरीके से हम इस बात को मेक श्योर sure कर सकते हैं कि जो पेरोल का जो स्टैंडिंग डेटा है वो अप्रोप्रिएट है इसमें किसी प्रकार का अनऑथोराइज अमेंडमेंट जो है नहीं किया गया है अगले पॉइंट की हम बात करें सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ मंथली एक्सेप्शन रिपोर्ट्स एंड रिव्यू फॉर एविडेंस ऑफ रिव्यू एंड फॉलो अप ऑफ एनी अनएक्सपेक्टेड चेंजेस बाय पेरोल मैनेजर सो एक्सेप्शन रिपोर्ट आप ले लीजिए एक्सेप्शन रिपोर्ट में अगर मान लो जो भी चेंजेस वगैरह हुए हैं उसको आप रिव्यू करिए आप इस बात का भी एविडेंस लीजिए कि आ, इस एक्सेप्शन रिपोर्ट को पेरोल मैनेजर ने रिव्यू किया है या नहीं किया है इसका भी आप यहां पे एविडेंस गैदर करिए और इस तरीके से आप जो है इस इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई कर सकते हैं नेक्स्ट so जो यहां पे इंटरनल कंट्रोल है स्टूडेंट्स द पेरोल सुपरवाइजर सेलेक्ट्स अ सैंपल ऑफ पे स्लिप्स पेरोल सुपरवाइजर जो है कुछ पे स्लिप्स के सैंपल सेलेक्ट करता है एंड रिकलकुलेट द ग्रॉस टू नेट पे कैलकुलेशन मतलब कुछ सैंपल्स को सेलेक्ट करना और ग्रॉस पेमेंट से लेकर के नेट पेमेंट तक पूरा कैलकुलेशन करना कंपेर द रिजल्ट टू द आउटपुट फ्रॉम द पेरोल सिस्टम और जो रिजल्ट आता है उसको पेरोल सिस्टम के आउटपुट से कंपेयर करना एंड इन्वेस्टिगेट एनी डिस्क्रिपेंसी और अगर मान लो उसमें से कुछ मिसमैच होता है तो फिर उसको इन्वेस्टिगेट करना तो स्टूडेंट्स ये अपने आप में एक ऐसा इंटरनल कंट्रोल है जो बेसिकली अमाउंट की एक्यूरेसी को जो है यह मेकश्योर sure करता है दिस रिड्यूस द रिस्क दैट द ऑटोमेटेड सिस्टम जनरेट एरर्स ड्यूरिंग द पेरोल प्रोसेसिंग इससे ये हमको कंफर्म हो जाएगा कि जो ऑटोमेटेड सिस्टम है जो कंप्यूटर सिस्टम है उसमें किसी प्रकार का कोई एरर तो नहीं हो रहा कैलकुलेशंस होते समय एनी एरर्स वुड बी आइडेंटिफाइड ऑन अ टाइमली बेसिस टू प्रिवेंट वेजेस बीइंग ओवर और अंडर पेड एनी एरर्स किसी प्रकार का कोई भी एरर होता है तो फिर उसको हम लोग टाइमली बेसिस पर आइडेंटिफाई करेंगे और वेजेस को कोई ज्यादा पे हो रहा है कम पे हो रहा है उसको हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल है तो ये इंटरनल कंट्रोल क्या इफेक्टिवली काम कर रहा है नहीं कर रहा है ये ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा पहला काम ऑडिटर को क्या करना है रिव्यू द मंथली पे स्लिप्स सैंपल्ड बाय द पेरोल सुपरवाइजर for their signature for evidence as the review of calculations have been undertaken. यहां पर जो payroll supervisor ने जो भी samples select किए थे जिनको review किया था जिनको recalculate किया था क्या उनके ऊपर payroll supervisor के signature है या नहीं है इसको जो है auditor यहां पर verify करेगा फिर अगला point है for a sample of monthly payrolls The gross to net pay टू नेट पे to एंड payroll टू discuss any सिस्टम डिस्कस एनी डिस्क्रिपेंसीज supervisor और आप खुद एक रीपरफॉर्म कर सकते हैं ग्रॉस टू नेट कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और अगर मान लो कोई डिस्क्रिपेंसीज आती है देन यू गो एंड डिस्कस विद द पेरोल सुपरवाइजर तो इस तरीके से स्टूडेंट हम इस इंटरनल कंट्रोल को यहां पर वेरीफाई कर सकते हैं अगला पॉइंट है परचेज ऑर्डर अप टू फाइव थाउजेंड डॉलर आर ऑथोराइज बाय द परचेजिंग मैनेजर एंड अब फाइव थाउजेंड डॉलर बाय द परचेजिंग डायरेक्टर तो ये एक इंटरनल कंट्रोल है सो दिस एन्श्योर्स दैट गुड्स आर ओनली परचेज वेन अ रिक्वायर्ड विच आर रिक्वायर्ड बाई स्विफ्ट कंपनी एंड रिलेट टू जेन्यून बिजनेस एक्सपेंसिस तो इससे ये हम ये मेक श्योर sure कर सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसिस हो रहे हैं वो जेन्यून एक्सपेंसिस हैं और एक अथॉरिटी के ऑथोराइजेशन के बाद ही वो एक्सपेंसिस है वो परचे करी जा रही है तो यह भी एक इंटरनल कंट्रोल है और इसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे सेलेक्ट अल परचेज ऑर्डर एंड रिव्यू फॉर एविडेंस ऑफ ऑथोराइजेशन इन अकॉर्डेंस विद ऑथराइजेशन लिमिट्स अग्री दिस टू दोप्रिएट सिग्नेचर ऑन द अप्रूव्ड तो बेसिकली आपको करना क्या है जो भी परचेज ऑर्डर्स हैं, उनका एक सैंपल उठा लो और उनमें चेक करो क्या इन परचेज ऑर्डर्स के ऊपर अगर 5000 से कम है तो परचेज ऑर्डर के ऊपर परचेजिंग मैनेजर के साइन होने चाहिए फाइव थाउजेंड डॉलर से ज्यादा का परचेज ऑर्डर है तो उसके ऊपर परचेजिंग डायरेक्टर के साइन होने चाहिए तो क्या ये सारी चीजें हो रही हैं नहीं हो रही हैं क्या ये अप्रूव्ड है या नहीं है इस तरीके से ऑडिटर जो है इनको वेरीफाई कर सकता है अगला हमारा इंटरनल कंट्रोल है द वेयर हाउस डिपार्टमेंट अग्रीज द रिसिप्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम सप्लायर्स टू अ कॉपी ऑफ द परचेज ऑर्डर

कॉपी ऑफ परचेज ऑर्डर से मैच कराएंगे यानी कि हमने परचेज ऑर्डर में जो सामान मेंशन किया था जो रॉ मटेरियल जो भी गुड्स हमने मेंशन किए थे वो बिल्कुल रिसीप्ट ऑफ गुड्स के अकॉर्डिंग है यानी कि जो आपने रिसीव किया और जो परचेज ऑर्डर में था वो बिल्कुल उसी अकॉर्डिंग है और क्या क्या, -क्या चेक करेंगे यू विल चेक द क्वांटिटी यू विल चेक द क्वालिटी ऑफ द गुड्स रिसीव्ड और उसके बाद उसके बाद यहां पर जो है वो साइन करेगा किसको गुड्स रिसीव्ड नोट को साइन करेगा टू एविडेंस द चेक्स दिस एंश्योर दैट स्विफ्ट कंपनी इज नॉट रिकॉर्डिंग लाइबिलिटीज एंड सब्सिक्वेंटली पेइंग फॉर द रिसिप्ट ऑफ इंफीरियर क्वालिटी गुड्स और फॉर गुड्स इट डू नॉट इट डिड नॉट ऑर्डर तो इस बात तो ये इंटरनल कंट्रोल इस बात को मेक sure कर श्योर करता है कि स्विफ्ट कंपनी ऐसा कोई पेमेंट नहीं कर रही है जो एक्चुअल मतलब ऐसा किसी प्रकार का पेमेंट नहीं कर रहे हैं कि जो डमी हो और दूसरा हम ऐसे ही गुड्स के लिए पेमेंट कर रहे हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी क्वालिटी के हैं इंफीरियर क्वालिटी गुड्स के लिए हम किसी प्रकार का कोई पेमेंट हम नहीं कर रहे हैं तो इस तो ये इंटरनल कंट्रोल अगेन इंपॉर्टेंट है इसको ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा ड्यूरिंग द इंटरम ऑडिट ऑब्जर्व द वेयर हाउस डिपार्टमेंट वेन रिसीविंग गुड्स

उन जो वेयरहाउस डिपार्टमेंट में रखा गया है उस गुड रिसीव नोट को उठा करके देखिए क्या उसके ऊपर सिग्नेचर है अगर सिग्नेचर है इसका मतलब क्या है कि यस यहां पर चेक जो है किए गए हैं तो इस तरीके से स्टूडेंट्स ऑडिटर इस इंटरनल कंट्रोल को जो है प्रॉपरली वेरीफाई कर सकता है अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स परचेज इन आर लॉग्ड इनटू द परचेज डे बुक बैचेस यूटिलाइजिंग कंट्रोल टोटल इनवाइजेस जो है इसमें हमने पढ़ा था ट्वेंटी का एक लॉट बना करके उसको परचेज डे बुक में जो है बैचेस में उसको लिखा जाता है यूटिलाइजिंग कंट्रोल टोटल्स एनश्योर बोथ कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी ओवर द इनपुट ऑफ परचेज इनवाइज इफ द इन वॉय आर टली एंड एक्यूरेटली पेबल्स में भी मिस स्टेटेड अब यहां पर क्या बताया गया स्टूडेंट्स जो टोटल हमारे परचेज इन्वॉइजेस है उसको हम लोग क्या करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी का बैच बना करके उनके टोटल करके उसको परचेज डे बुक में हम लोग उसको एंटर कर देते हैं तो जब आप इस प्रकार से करते हैं तो वहां पर टू लेवल पर जो है चेकिंग होती है एक परचेज इन्वॉइजेस का टोटल आप चेक करते हैं फिर उसके बाद परचेज डे बुक में जो भी रिकॉर्डिंग होती है उसको भी जो है आप यहां पे चेक कर सकते हैं इफ द इन आर नॉट ऑल पुट कंप्लीटली अगर सारे इनवॉइज को कंप्लीटली रिकॉर्ड नहीं किया गया है एंड एक्यूरेटली पेबल्स इसका मतलब जो पेबल्स हैं हो सकता है कि उनमें गड़बड़ी है तो इस चीज को हम वेरीफाई कर सकते हैं तो एज एन ऑडिटर आप इसको कैसे चेक करेंगे सेलेक्ट अ सैंपल ऑफ कंट्रोल टोटल शीट्स and review for evidence of control totals being utilized and the clerk's signature ye jo control total sheets hai control total sheets yani ke jo purchase purchases ka jo totaling kiya jata hai usko aap dekhenge aur dekhna hai kya uske upar clerk ke signature hai ya nahi hai अगर कंट्रोल टोटल कंट्रोल टोटल शीट्स के ऊपर अगर क्लर्क के सिग्नेचर हैं तो ये इस बात को सिग्निफाई करता है कि यस यहां पर जो है इन टोटल्स को रिव्यू किया गया है अगला जो इंटरनल कंट्रोल है स्टूडेंट्स, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन आर अंडरटेकन ऑन अ मंथली बेसिस एंड दीज आर रिव्यूड बाय द फाइनेंशियल कंट्रोलर स्टूडेंट जब मैं कहता हूं सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन इसका मतलब क्या है हम अपने सप्लायर्स को एक रिकंसिलेशन लेटर भेजते हैं और उनसे स्टेटमेंट मंगवाते हैं कि भाई हमारे बुक्स के हिसाब से बैलेंस इतना है आपके हिसाब से कितना बैलेंस है एक कंफर्मेशन हम लोग ले लेते हैं और ये चीज कौन करता है फाइनेंशियल कंट्रोलर करता है दिस एंश्योर्स दैट एनी एरर्स इन द रिकॉर्डिंग ऑफ परचेजेस एंड पेएबल्स आर आइडेंटिफाइड एंड करेक्टेड इन अ टाइमली मैनर एंड देयर फॉर दैट पेएबल्स आर कंप्लीट एंड एक्यूरेट तो इस प्रकार से अगर हम सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन से पेएबल्स को हम चेक करते हैं परचेजेस को से चेक करते हैं तो हमको टाइमली बेसिस पर अगर किसी प्रकार का कोई एरर है तो हम उसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं तो स्टूडेंट्स ये जो सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सिलेशन है दिस स्टेटमेंट इज बेसिकली प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर मतलब सप्लायर जैसे हमने सप्लायर जब भी वो हमको सामान भेजेगा तो फिर हम उसको गुड्स रिसीव्ड नोट इश्यू करेंगे तो उन सब चीजों से जो है हमको इसको कंपेयर करना है तो सप्लायर स्टेटमेंट रिकन्सलेशन बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल कंट्रोल के पॉइंट है तो इसको ऑडिटर चेक कैसे करेगा रिव्यू द फाइल ऑफ रिकन्सिलेशन ऑडिटर जो है वो फाइल मंगवा लेगा हाँ भाई बताओ तुमने कहां पे कहांसिलेशन किया फाइनेंशियल कंट्रोलर ये रिकंसिलेशन कर रहा था ना तो इससे हम बोलेंगे हाँ साहब बताओ तुमने कहां पे रिकंसिलेशन किया है ताकि आप इस बात को एंश्योर कर सको एंश्योर दैट दे आर बींग परफॉर्मड ऑन अ रेगुलर बेसिस एंड दैट दे हैव बीन रिव्यूड अ है ऑफिशियल तो इसमें बेसिकली हम ये बात करते हैं कि यहां पर जो है ऑडिटर क्या करेगा जो भी रिकनसिलेशन फाइल है उसको वो मंगवा लेगा और उसमें देखेगा क्या इन्होंने प्रॉपरली इस रिकलेशन फाइल को प्रॉपरली परफॉर्म किया है एंड विल बी रिव्यूड बाय रेस्पॉन्सिबल ऑफिशियल इस बात को ये सबूत मिल जाएगा कि यस ये एक रेस्पॉन्सिबल व्यक्ति के द्वारा इसको रिव्यू किया गया है रीपरफॉर्म अ सैंपल ऑफ द रिकेशन टू एंश्योर दैट दे हैव बीन appropriately आउट अप्रोप्रिएटली एंड डिस्क्रिपेंसीगेटेड रीपरफॉर्म कुछ सैंपल आप खुद उठा करके एज एन ऑडिटर आप खुद जो है रिकंसिलेशन uh, करके देखिए अगर आप खुद से रिकंसिलेशन करके देखेंगे तो आप इस बात को मेक श्योर sure कर सकते हैं कि फाइनेंशियल कंट्रोलर जो रिकंसिलेशन कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है तो इस तरीके से भी स्टूडेंट्स हम इस इंटरनल कंट्रोल को वेरीफाई कर सकते हैं एंड द लास्ट इंटरनल कंट्रोल इज फाइनेंस डायरेक्टर ऑथोराइज द बैंक ट्रांसफर पेमेंट लिस्ट फॉर सप्लायर्स आफ्टर अग्री द अमाउंट टू बी पेड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन एंड रिव्यूंग ऑफ एनी डुप्लीकेट पेमेंट तो किसी प्रकार का कोई डुप्लीकेट पेमेंट है उसको वो रिव्यू करेगा दिस रिड्यूस द रिस्क दैट सप्लायर्स कुड बी बींग पेड एंड इन करेक्ट अमाउंट एंड दैट सम्स आर बींग पेड टू फिकटिशियस सप्लायर्स तो ये इंटरनल कंट्रोल इस बात को मेक श्योर sure करेगा किसी प्रकार से कोई डमी सप्लायर को तो हम कोई अमाउंट वगैरह नहीं पे कर रहे हैं तो दिस इंटरनल कंट्रोल इज आल्सो इंपॉर्टेंट द फाइनेंस डायरेक्टर क्या करता है ये ऑथोराइज करता है बैंक ट्रांसफर पेमेंट लिस्ट को लिस्ट फॉर सप्लायर्स कब आफ्टर अग्रींग दाउंट टू बी पेड टू सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन मतलब देखेगा अच्छा ये एम्प्लॉय कोड है इसको इतना पैसा जाना है तो जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन को देखने के बाद ही वो ये बैंक ट्रांसफर पेमेंट को जो है अलाउ करेगा तो इसको कैसे हम चेक करेंगे स्टूडेंट्स रिव्यू द पेमेंट्स लिस्ट फॉर एविडेंस ऑफ रिव्यू बाय फाइनेंस डायरेक्टर फाइनेंस डायरेक्टर ने जो भी पेमेंट लिस्ट बनाई है ना उसको आप रिव्यू करिए उससे पता चलेगा कि फाइनेंस डायरेक्टर ने क्या एक्चुअली ये ऑथोराइज किया है बैंक ट्रांसफर पेमेंट को या फिर नहीं एनक्वायर ऑफ अकाउंट स्टाफ वॉट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन द फाइनेंस डायरेक्टर रिक्वेस्ट वेन अंडरटेकिंग दिस रिव्यू और जाकर के आप जो फाइनेंस स्टाफ आई मीन अकाउंट स्टाफ है उससे जाकर के पूछिए कि फाइनेंस डायरेक्टर आपसे कौन सा सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन लेते हैं जिससे वो ये पूरा का पूरा रिव्यू करते हैं तो इस प्रकार से अगर अकाउंट्स स्टाफ कहता है कि हाँ सर हमारे जो फाइनेंस डायरेक्टर हैं हमसे ये फलाना जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन है फलाना जो जो है वो लेते हैं तो इससे आपको ये कंफर्मेशन हो जाएगी एज एन ऑडिटर कि यस फाइनेंस डायरेक्टर अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं तो और इस तरीके से ये इंटरनल कंट्रोल को जो है हम वेरीफाई कर सकते हैं तो स्टूडेंट ये था हमारा क्वेश्चन और इसी के साथ स्टूडेंट्स हम लोगों ने तीनों क्वेश्चंस जो हैं दिसंबर 2020 के एग्जाम के तीनों क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए अब उसके बाद एक और प्रीवियस वाला अटेम्प्ट भी है उसे भी हम लोग आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे क्योंकि वो क्वेश्चन जो तीन क्वेश्चन और हैं जो कि हमारी कापलान की किताब में नहीं है तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही है बाकी अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे टिल देन हैव है नाइस डे